फोक सिंगिंग का जुड़ाव आपको पहले से था या आईनेक्स्ट का एक तारा कंपटीशन आने के बाद हुआ? वैसे फोक सिंगिंग तो शुरू से ही था मेरा, बचपन से ही है, और एक तारा में पता चला कि हाँ ये फोक म्यूजिक को लेके काम किया जा रहा है, तो हमको मन किया कि नहीं इसमें एक बार ट्राई करना चाहिए। सिंगिंग में आपको अपने फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो इस लाइन से जुड़े हुए, फोक सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो बचपन से ये मेरे में आ रहा है, तो बस। आपके मन में सिंगिंग के प्रति कब से आया, जुड़ा? कब से? जब से हम 5 क्लास में थे तब से ही ये जुड़ाव है सिंगिंग से। वैसे हम क्लासिकल से भी जुड़े हुए हैं और फोक सिंगिंग से भी, दोनों चीज़ से। सिंगिंग के लिए आप कितना टाइम निकाल पाती हैं? सिंगिंग के लिए पढ़ाई के बाद जो भी टाइम मिलता है हम सिंगिंग में देते हैं। आप अपने फ्यूचर में सिंगिंग को कहाँ देखती हैं, किस रोल में देखती हैं? ऐसा स्थान मिलना चाहिए फोक सिंगिंग को जहाँ पे लोगों को लगे कि हाँ हमारे जो भी है कल्चर में उसको लोग जाने, और हम मतलब मेरा सोच है कि हम वहाँ तक उसको पहुँचाएं जो लोग नहीं जानते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते शायद बहुत लोग इस फोक सिंगिंग को, तो हम चाहते वहाँ तक हम पहुँचाएं। तो ऐसा एक मंच मिला है हमको ये आईनेक्स के माध्यम से, तो शायद वो होगा मेरे लिए। सिंगिंग में आपका रोल मॉडल कौन है? सिंगिंग में, फोक सिंगिंग में? हाँ, फोक सिंगिंग। मुकुंद नायक जी और महावीर नायक जी हैं, मधु मंसरी जी हैं, और लेडी सिंगर में यशोदा देवी जानकी जी।